हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको शुरू से निशान लगाकर ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ बिना इंच टेप के, ब्लाउज के नाप से। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज का पीसेस लिया है जो कि साड़ी का सेट है। ये देखिए इस टाइप से लेस लगी हुई है। तो सबसे पहले हमें इसको इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस लेस को पहले हम खोल कर हटा लेंगे। कोई भी लेस हो पहले आप उसको खोल कर हटा देंगे। तो यहाँ से मैं खोल कर हटा लेती हूँ इस तरीके से। तो लेस को ये हमने खोल दिया। काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि निशान लगाकर सादा ब्लाउज की कटिंग बताइए, तो मैं इस पर बता रही हूँ। तो आज का वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज का पीस लिया है, उसको हमने उल्टा साइड से रखना है। कोई भी मार्किंग हम उल्टा साइड से लगाते हैं, रॉन्ग साइड से। अब यहाँ पर हम इसको डबल करेंगे, ये इस तरीके से डबल करना है। उल्टा सीधा हमें देख लेना है। तो पहले हम एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं। तो हमने चेक करके इधर साइड से रख लिया है, ये उल्टा लग रहा है क्योंकि इधर शाइनिंग कम है और उधर ज्यादा है। अब उसके बाद नाप लेना है ब्लाउज का। यहाँ जिस भी साइज से बनाना है उस ब्लाउज का आपको लंबाई देखना है। तो मुझे इस साइज का ब्लाउज बनाना है, बिल्कुल ये सही साइज है, इसी साइज से हम कटिंग करेंगे। तो ये जो डोरी है फीता हम अंदर कर लेते हैं ताकि हमें नाप लेने में, मेजरमेंट लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसको हमें इस तरीके से डोरी को अंदर पहले अच्छे तरीके से डाल लेते हैं। ये हमने डाल लिया। अब ब्लाउज की हमें लंबाई देखनी है, यानी कि लेंथ है। इस तरीके से अब यहाँ से ब्लाउज उठाएंगे, यहाँ रखेंगे ऐसे। उसके बाद हेमिंग के लिए इतना हम एक्स्ट्रा रखेंगे और इतना हम मार्जिन लिए हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हमें लंबाई का मार्क लगानी है। तो ये बिल्कुल सही लेंथ है, तो हम इससे हाफ इंच बढ़ा के रखेंगे क्योंकि सिलाई में भी जाएगी। अब यहाँ अब उसके बाद आर्म होल जहाँ से रेडी है वो मार्क लगाना है। उसके बाद हाफ इंच हमें इसके ऊपर से मार्क लगाना है क्योंकि सिलाई के बाद ये यहाँ हाफ इंच जाएगी तो आ जाएगी बिल्कुल सही। और ये हो गया रेडी वाला हाफ इंच, हम इसमें भी बढ़ा लिए हैं। अब इसको हटाएंगे, अब इसको बराबर करेंगे और सीधा मार्किंग कर लेंगे ऐसे। इस तरीके से हमने इसको मार्किंग किया है। अब आर्म होल में गोलाई का शेप देंगे, तो ऐसे लेंगे और इस तरीके से आर्म होल में शेप देंगे। उसके बाद नेक देखेंगे, गला। तो गला आपको जिस साइज का बनाना हो बना सकते हैं। तो मैं नाप ले ली, इसी साइज का बिल्कुल बनाना है। तो यहाँ पे मार्क लगाएंगे और इसको अंदर कर लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल गोल गोलाई देनी है। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रही थी कि निशान लगाकर सही तरीके से ब्लाउज की कटिंग बताइए विदाउट इंची टेप। तो यहाँ पे हमने रख लिया है। अब करते हैं नेक की कटिंग। तो यहाँ से लेना है पहले ये शोल्डर ऐसे, उसके बाद आर्म होल लेना है। तो ये बैक पल्ला है यानी कि पीछे का, आर्म होल में सेफ देना है। यहाँ हमने आर्म होल में सेफ दिया। उसके बाद इसको इस तरीके से पहले कट कर लेंगे ये ऐसे। उसके बाद अब नेक की कटिंग करेंगे। डिजाइनिंग बनाना चाहते हैं तो आप डिजाइनिंग भी इसी में बना सकते हैं, बट मुझे बिल्कुल सिंपल ही बनानी है तो मैं सिंपल ही नेक की कटिंग कर लूंगी। तो यहाँ पे हमने नेक की बिल्कुल सही तरीके से कटिंग कर लिया है। अब करना है फिटिंग का मार्किंग। तो यहाँ से लेंगे इसको ऐसे, हाफ इंच हम इसमें बढ़ा लेंगे इतना, क्योंकि टक्स लगेगी यानी कि प्लेट्स लगेगी। तो यहाँ उसके बाद यही वाला नाप उठाना है और इसके फिटिंग का मार्किंग को लगाते जाना है। यहाँ से आर्म होल है, अब इसको हमें इसी से मिला देना है। तो ये मार्किंग लग चुकी है। तो ये हो गई पीछे की पल्ला। अब टक्स लगाना है, प्लेट्स टेकिंग। तो यहाँ से फिटिंग वाले साइज से उठाएंगे, यहाँ 3 इंच लंबी, ये वाले मार्किंग 3 इंच लंबी करना है। तो यहाँ हमने लंबी कर लिया 3 इंच, जो कि टेकिन लगेगी। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं डार्क करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हो गई टेकिन, हाफ इंच ऐसे सिलाई में, हर हाफ इंच इधर से जाएगा। तो ये टेकिन की मार्किंग हमने लगा लिया और इतना हमने जो रखा हुआ हेम के लिए वो भी मार्किंग
मैं इस तरीके से लगा देती हूँ। अब इसी को रखते हुए आगे की पल्ला कटिंग करते हैं। तो देखिए ये जो फैब्रिक बची है उसी से करेंगे। फैब्रिक बचा है उसको हमने डबल करके रख लिया है। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, ये वाले जो हमने कटिंग किया हुआ है पीछे वाले पल्ला उसको हमें अच्छे तरीके से बैठाते हुए रख लेना है। इसी के ऊपर ये थोड़ा स्लिप करने वाला फैब्रिक है, ये देखिए। चाहे तो आप इसमें लाइनिंग भी लगा सकते हैं। इसको सही तरीके से पहले हमें, कोई भी कटिंग करने से पहले उसको अच्छे तरीके से सेट करेंगे और बैठाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको सही तरीके से बैठा लिया है। ये देखिए तो सही तरीके से अब इसको हम इसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे, हाफ इंच बढ़ाते हुए, क्योंकि इसमें टेकिंग लगती है तो लंबाई कम ज़्यादा ना हो, इसलिए हमें सही तरीके से इसको बैठा देनी है। अब इधर से कटिंग करेंगे। ये इसको हटा लेते हैं इधर से, उसके बाद इधर से शोल्डर कटिंग करेंगे, आर्म होल। हाफ इंच हम आगे की तरफ शेप देते हैं। अब इस वाले पल्ले को हटाएंगे। अब जो नाप में है नेक, वो नेक देख लेंगे, उसी नेक से हमें साइज बनानी है। तो इसको हम अंदर की तरफ पहले यही वाला नेक इसके ऊपर डालनी है ऐसे, ये देखिए। अब उसके बाद हमें इसी के साइज से मार्किंग करनी है, ऐसे लेंगे और सेम टू सेम इसी साइज से नेक की मार्किंग हमने कर लिया है। अब करते हैं इसकी कटिंग बिल्कुल सही तरीके से। ये देखिए तो ये हमने नेक की भी कटिंग कर लिया। अब हम दोनों पल्ला को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ से कट करके अलग करना है, उसके बाद हमें टक्स की मार्किंग लगानी है। तो पहले इधर से अलग कर देते हैं, ये देखिए ये हमने अलग कर लिया है। अब हमें करना क्या है, टेकिंग लगाना है। तो नाप उठाना है, जिस नाप का बना रहे हैं वही नाप से आपको टेकिंग लगाना है। तो पहले आप ऊपर हाफ इंच छोड़ेंगे यहाँ, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगी, उसके बाद आप मार्किंग लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से मार्किंग है ऐसे, और इसकी लंबाई 3 इंचेज है ये, तो इसको हम लगा देते हैं। उसके बाद हम नीचे वाला देखते हैं, हाफ इंच छोड़ेंगे उसके बाद ये मार्किंग लगाएंगे ऐसे, इसकी लंबाई होगी 5 इंच, ये लगा दिए। उसके बाद अब साइड वाला देखेंगे, ये यहाँ से उठाएंगे, ये मार्किंग यहाँ से है, इसकी लंबाई है 6 इंच, तो इसकी लंबाई हम इसमें ऐसे 6 इंच लेंगे। उसके बाद अब आर्म होल वाली देखेंगे, यहाँ से ऐसे लेना है ब्लाउज, उसके बाद आपको आर्म होल देखना है। तो यहाँ से ये है टेकिंग, पहले सिलाई छोड़ते हुए यहाँ से ये वाला मार्क लगाएंगे, इसकी लंबाई होगी 5 इंचेज ऐसे। उसके बाद इसी तरीके से हमें सब में लगाना है। तो दूसरे वाले पल्ले में कैसे लगाएंगे वो देखिए। इसके लिए दूसरे वाले पल्ले को इसके ऊपर डालेंगे ऐसे, ये देखिए ये हमने ले लिया है, इस पे भी मार्किंग आ चुकी है, बट हमें इसको इसके ऊपर डाल देनी है ऐसे। इसके ऊपर सही तरीके से पहले हम डाल लेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने सही तरीके से इस पे डाल दिया। अब सेम टू सेम मार्किंग हमें सेम होनी चाहिए, इसलिए इसकी लाइनिंग इस पे आनी चाहिए। तो ये कर लेते हैं, थोड़ा इस पे आ जाए। अब दोनों को अलग अलग हटा देंगे, इसमें आ चुकी है। अब इसी को हमें थोड़ा सा डार्क कर लेनी है। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ से ये आ गई है, फिर यहाँ से आ गई है, फिर ये डार्क कर दे रहे हैं, फिर इधर से। तो इस दोनों में
सेम टू सेम मार्किंग आ गई। अब हमें बाजू की कटिंग करना है, वो करते हैं। करने से पहले आर्म होल में दोनों में हाफ हाफ इंच का गहराई देते हैं, ये देना बहुत जरूरी है। इसी से आपके ब्लाउज में फिनिशिंग आएगी, आर्म होल में झोल नहीं आएगी। काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहा था कि ये आर्म होल में झोल क्यों आ जाती है, मेरी बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आ पाती, यही प्रॉब्लम है। आपको ये वाला शेप देना बहुत ज़रूरी होता है। ये जैसे हमने दिया दोनों आर्म होल में शेप हमने दे दिया है, अब बाजू की कटिंग करते हैं। फैब्रिक बची है, इससे हमें बाजू निकालनी है। तो यहाँ से पहले लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे हमने डबल करके इसको रख लिया है क्योंकि दोनों बाजू एक बार में ही निकालना है। उसके बाद इसको हम ऐसे डबल करेंगे बाजू निकालने के लिए, ये। तो यहाँ हमने डबल करके अच्छे से रखना है, तो यहाँ हमने अच्छे तरीके से रख लिया है। अब उसके बाद हमें बाजू उठाना है, जिस साइज के भी आप बनाना चाहते हैं वहाँ आपको इसको ऊपर रखना है। नीचे हम इतना एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हेमिंग में जाएगी। यहाँ हो गया रेडी वाला, ये हाफ इंच हम बढ़ा के रखेंगे क्योंकि स्टिचिंग में जाएगी। उसके बाद यहाँ से रेडी वाला बाजू और इतना एक्स्ट्रा वाला बाजू, अब इसको हमें इस लाइन से पहले मिलाना है ऐसे, उसके बाद ये। अब कर लेते हैं कटिंग। तो कैसे कटिंग करेंगे, और ये शेप देंगे। तो ये शेप हमने दे दिया, अब जो एक्स्ट्रा है उसको हटा लेते हैं। अब बाजू के आर्म होल में हाफ हाफ इंच का शेप देना होता है, तो वो वाले शेप देते हैं, अलग अलग कर लेते हैं दोनों बाजू। ये वाला शेप हाफ हाफ इंच का देंगे, एक में हमने दे दिया, एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का। तो ये हो गई, आगे में हम ऐसे मार्क लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि आगे का कौन है और पीछे का कौन है। अब इसमें भी हाफ हाफ इंच का शेप देंगे, ये देखिए। तो इसमें भी हमने शेप दे दिया है। अब कटिंग करेंगे हुक की पट्टी और काच की पट्टी। तो एक पल्ला हम इसी का लेते हैं, हुक पट्टी काच पट्टी नापने के लिए। उसका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा होगा उससे हम निकालेंगे हुक की पट्टी और काच की पट्टी। तो ये जो फैब्रिक बचा है, तो हमें काच की पट्टी 2 इंच चौड़ी, हुक की पट्टी 1 इंच चौड़ी। तो यहाँ से 2 इंच चौड़ी निकालते हैं जो कि ये काच वाली पट्टी होगी ये, और 1 इंच चौड़ी निकालेंगे जो कि हुक वाली पट्टी होगी ये। लंबाई जो भी एक्स्ट्रा होगा हम कट लगाएंगे, तो यहाँ से लंबाई को कट लगा देते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। फिर इधर से हुक पट्टी काच पट्टी हो गई। अब ये जो बची है फैब्रिक, इससे हमें नेक की पट्टी निकालनी है। अगर आप चाहें तो नेक में पाइपिंग भी डाल सकते हैं, अगर नहीं लगाने हैं पाइपिंग तो आप ऐसे उड़े पट्टी कट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 3-4 पट्टियाँ हमें इसी टाइप से उड़ेप कटिंग कर लेनी है जो कि गले पे लगाएंगे, गले की पट्टी होगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने बहुत सारी कटिंग स्टिचिंग शेयर किए हुए हैं, आपको लिंक इसकी स्टिचिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि हम इसकी सिलाई कैसे करते हैं सादा ब्लाउज की। देखिए इस तरीके से 4-5 पट्टियाँ हमने कट कर लिया, साड़ी कटिंग हो गई कम्प्लीट। अब चलिए साड़ी की फुल व्यू दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये हो गई फ्रंट वाले पल्ला, ये हो गई दोनों स्लीव्स, ये हो गई बैक पल्ला, और एक हो गई ये वाली चौड़ी वाली काज वाली पट्टी, पतली वाली हुक वाली पट्टी, और ये हो गई नेक की पट्टी। तो फ्रेंड्स, आज की ये ब्लाउज कटिंग कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो कीजिएगा इस वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, कुछ पूछना है तो नीचे कीजिएगा कमेंट। ये लेस दी हुई थी जो कि स्लीव्स की थी, ये देखिए। तो इसको हम ऐसे लेंगे और दोनों को अलग अलग कर लेंगे क्योंकि दोनों बाजू की है ये ऐसे। उसका दोनों हम स्लीव्स पे डाल देते हैं, देखिए एक यहाँ जाएगी इस तरीके से, इस पे रख लेते हैं ये देखिए, और दूसरी वाली इसके ऊपर जाएगी ऐसे, दोनों बाजू पे हमने रख दिया है। तो फ्रेंड्स, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हो नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।